एपिसोड 3 की शुरुआत एक मिस्टीरियस सीन के साथ होती है, जहां पुलिस क्राइम सीन से दो डेड बॉडीज को कैरी कर रही होती है। इसके बाद ली जी उनके इनक्रेडिबल मोटरसाइकिल राइडिंग स्किल्स को दिखाते हैं, जिसका बहुत सारे हंटर्स पीछा कर रहे होते हैं और वो खुद की जान बचाने के लिए बहुत सारे मेजर एक्सीडेंट्स करवाते जाता है। बचते बचाते वो एक मॉल में घुस जाता है और मॉल के लिफ्ट से ऊपर चला जाता है, लेकिन उसके पीछे वो हंटर्स भी जाते हैं। छत पर जाने के बाद उसको आगे जाने का रास्ता नहीं दिखाई देता और उसका बॉस गन लेकर उसको मारने के लिए तैयार हो जाता है और बहुत सारे मोटरसाइकिल्स वाले भी उसे घेर लेते हैं। ईजे रिस्क लेने का सोचता है और छत से कूद जाता है, क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा भला क्या होगा, मौत ही मिलेगी। लेकिन वो जंप सर्वाइव कर लेता है और स्विमिंग पूल में गिर जाता है, जिसकी वजह से उसका फ़ोन पानी में डूब जाता है और ट्रैकर्स को उसका सिग्नल आना बंद हो जाता है। ईजे सोचता है कि वो जुहन के बॉडी में सर्वाइव कर जाएगा और ये गेम भी जीत जाएगा। वह गाड़ी चलाते हुए उस औरत के पास जाता है जिसको बचाने के लिए उसने अपनी लाइफ रिस्क में ली थी। वो लड़की जुहन को देखकर उसे गले लग जाती है और ईजे सोचता है कि शायद जुहन से प्यार करता होगा। वो लड़की उसे 10 बिलियन का पता पूछती है और ईजे उसे पैसों का ठिकाना बताने लगता है, लेकिन जैसे वो मुड़ता है वो उसे गोली मार देती है और जुहन वहीं मर जाता है। उसके बाद ईजे दोबारा अपनी फेवरेट लोकेशन पर आ जाता है, जहाँ डेथ उसका इंतजार करते हुए हंस रही होती है। लेकिन ईजे के अगले थॉट्स उसकी हंसी रोक देते हैं, क्योंकि जब वो ली जुहन था तब उसने एक प्लान बनाया था जिसमें केवल और केवल उसी को छुपाया गया 10 बिलियन मनी का एड्रेस पता था और ईजे उस मनी को डेथ के इस गेम से बचने में यूज़ करेगा। और वो इस बात को लेकर खुद पर प्राउड फील कर रहा होता है और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, लेकिन डेथ उसकी इस मुस्कुराहट को उसकी अगली लाइफ में भेजकर बंद कर देती है। ईजे अब एक कैदी है और उसे अपने 10 बिलियन मनी को ढूंढने का प्लान इम्पॉसिबल लग रहा है। इस बार डेथ ईजे को उसकी न्यू बॉडीज की मेमोरीज देने में टाइम लगाती है और उसे उसके साथी कैदियों से पता चलता है कि वो 4 दिन में रिलीज हो जाएगा। लेकिन सरप्राइज की बात यह निकलती है कि उसका एक सेलमेट वही स्टूडेंट बुली जिनसेंग निकलता है। उसके साथी उसे जिनसेंग से बचने की सलाह देते हैं, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि वो एक साइकोपैथ किलर है। ईजे कंफ्यूज हो जाता है कि उन लोगों को ये डेंजरस कैसे लगता है। जिनसेंग की उनके साथियों से फाइट होती है और वो उन लोगों को यहाँ से बाहर जिंदा ना जाने का प्रॉमिस करता है। उसके बाद शाइनिंग स्टोन आता है और ईजे को पता चलता है कि ये बॉडी चो ताइसांग की है, जिसने हिट एंड रन का फेक ब्लेम लिया होता है, जिसके बदले में उसे मनी मिलता है और जो मनी वो अपनी माँ के कर्ज को चुकाने और अपने MMA फाइटर बनने के करियर में लगाने के लिए लिया हुआ होता है। बट अनफॉर्चुनेटली ट्रायल के दौरान विक्टिम की मौत हो जाती है और उसे 2 साल की सजा मिल जाती है, क्योंकि वो अभी माइनर था। ताइसांग क्लाइंट को 1 बिलियन और मनी के लिए कहता है, क्योंकि उनकी डील के टाइम विक्टिम की डेथ नहीं हुई होती है और अगर उसे और मनी नहीं मिलेंगे तो वो जब बाहर जाएगा तब इस प्लान को पुलिस के सामने एक्सपोज कर देगा। उसे जिनसेंग की फेक साइकोपैथ किलर के एक्ट का भी पता चल जाता है, ताकि वो बाकी सेलमेट्स को डरा ना सके। उसके बाद ईजे उसके सच को सामने लाकर जिनसेंग के झूठ को एक्सपोज कर देता है और अब जिनसेंग जेल में ही बुली होने लगता है और इसे देखकर ईजे को खुशी जैसे महसूस होता है। ईजे अब शांति से उसकी बची हुई सजा को खत्म करके यहाँ से बाहर निकलने का सोचता है। वो चो ताइसांग के क्लाइंट को दिए गए थ्रेट के बारे में भूल जाता है। उसे इसकी याद तब आती है जब कारपेंट्री वर्क करते समय बाकी लोग उस पर अटैक कर देते हैं और उसकी जान लेने का ट्राई करते हैं, और उसे याद आता है कि बाहर एक पर्सन ऐसा है जो उसे जिंदा जेल से बाहर जाने नहीं देगा। ईजे को ताइसांग इंप्रेसिव फाइटिंग स्किल्स का एक्सपीरियंस करता है जब वो उन लोगों से फाइट करता है और अपनी इस बॉडी की तारीफ करता है। फाइटिंग के बाद वो अपने साथी कैदी से बात करता है, जो उससे अपने लाइफ में पछतावे के बारे में पूछता है, जहाँ वो अपनी ताइसांग की करंट सिचुएशन को भूलकर ईजे की लाइफ के बारे में सोचने लगता है कि काश उसने अपनी लाइफ को हल्के बना लिया होता। उसके बाद रात में जिनसेंग ईजे को मारने के बारे में सोच रहा होता है और बाथरूम में जाकर एक टूल शार्प करने लगता है। ईजे उसे देखकर डिसअपॉइंट हो जाता है कि उसकी लोगों को मारने की आदत अभी भी नहीं गई है, जहाँ उसकी सिचुएशन अनफेवरेबल है। वो जिनसेंग को मारने का सोचता है, लेकिन जो उनके 10 बिलियन मनी का सोच कर रुक जाता है और वो दूसरा तरीका अपनाता है, जहाँ वो योक्सू से बात करने का प्रिटेंड करता है और उसे पास्ट की बातें बोलकर यकीन दिलाता है कि योक्सू वही है, और उसे पूछता है कि क्या उसे योक्सू के मर्डर के बारे में पछतावा है, जिस पर जिनसेंग अभी भी योक्सू पर ही उसकी हालत का ब्लेम करता है। अपने रिलीज के दिन ईजे उम्मीद करता है जिनसेंग अपनी आगे की लाइफ अच्छी जिए, ना कि और बर्बाद करे। बाहर आने के बाद क्लाइंट का वकील उसका 1 बिलियन मनी के साथ वेट कर रहा होता है, जो ताइसांग ने मांगे थे, बट ईजे उसका ऑफर ठुकरा देता है और प्रॉमिस करता है कि वो सीक्रेट उन दोनों के बीच ही रहेगा और वहाँ से जो उनके 10 बिलियन मनी को ढूंढने के लिए चला जाता है, जो उसे बीच पर मिल जाते हैं। ईजे को समझ नहीं आता कि उसका वो यूज़ कैसे करे और वो ज़्यादा ना सोचकर सो जाता है और अपने सपने में अपनी माँ को देखता है। उसकी नींद मोबाइल पर आ रही कॉल से टूट जाती है, जो कि ताइसांग की माँ का होता है, और उसे अपनी माँ की कॉल याद आ जाती है, जो उसने अपनी सुसाइड के समय रिजेक्ट कर दी थी।
और वो रोने लगता है। उसके बाद वो ताईसेंग की माँ से मिलने का डिसाइड करता है और उन्हें इस मनी से कुछ शेयर देने का सोचता है और बाकी स्टोरेज लॉकर में रख देता है क्योंकि उसे यकीन है कि वो वापस आकर इसको कलेक्ट जरूर करेगा। और वो इस वार्निंग को भी इग्नोर कर देता है कि अगर स्टोरेज का सामान 4 दिन में नहीं कलेक्ट किया जाए तो वो सामान पुलिस जब्त कर लेगी। जब से वो जेल से छूटा है तब से उसका कोई पीछा कर रहा होता है, लेकिन ईजे इससे अनजान है। जब वो अपनी माँ से मिलने जा रहा होता है तो वो पर्सन ताईसेंग पर चाकू से हमला कर देता है। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि हिट एंड रन की विक्टिम लड़की का फादर होता है जो कि बदला लेने का इंतजार कर रहा होता है। ईजे ताईसेंग की डील के बारे में भूल गया था। जब उसे ताईसेंग का कोर टाइम याद आया तब उसे अफसोस होता है और वो विक्टिम के फादर से माफ़ी मांगता है, बट उसे यह भी बताता है कि उसकी बेटी की मौत का जिम्मेदार वो नहीं है बल्कि कोई और है। इतनी देर में किसी के आने की आवाज़ आती है और विक्टिम का फादर वहाँ से भाग जाता है। ईजे अपने साथी कैदी को देख कर रिलाइव हो जाता है, लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब वो बंदा उसे धोखा दे देता है क्योंकि वो भी उन लोगों में शामिल होता है जिनको ताईसेंग को मारने के लिए मुँह मांगी कीमत का प्रॉमिस किया गया था और वो इस काम को पूरा करने आया होता है जो वो जेल पर नहीं कर पाया। ईजे उसे बोलता है कि अगर वो उसे छोड़ देगा तो उसके बदले वो उसे मनी देगा, लेकिन उसे इस पर बिलीव नहीं होता और वो उस पर कई बार चाकू से हमला करके एक्साइटेड होकर चला जाता है क्योंकि उसे इसके लिए 100 मिलियन पेमेंट मिलेगी। ईजे की इमोशनल डेथ हो रही होती है जब जमीन पर पड़े फोन को उठाने की वो कोशिश करता है जिस पर माँ की कॉल आ रही होती है। उसके बाद एज यूजुअल फिर वो वही जगह आ जाता है जहाँ डेथ उसका इंतजार कर रही होती है। वो डेथ से बात करता है बट ईजे विक्टिम के बारे में भूल जाता है, लेकिन डेथ उसे याद दिलाती है कि एक सेल्फिश इंसान है जिसे अपने परिवार के दुखों से कोई मतलब नहीं है। जहाँ डेथ उसे लेसन समझाने का ट्राई करती है वहीं ईजे अपने मनी के बारे में सोच रहा होता है और उससे उसे अगली लाइफ में जल्दी भेजने के लिए बोलता है। डेथ उसकी ये विश एक हंसी के साथ पूरी कर देती है और उसे अगली लाइफ में भेज देती है जो कि होती है एक नवजात बच्चे की। और यहाँ पर एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। तो आपको क्या लगता है, क्या ईजे बच्चे की बॉडी में सर्वाइव कर पाएगा जो ना बोल सकता है ना चल सकता है? और ये आपको एपिसोड 4 में पता चलेगा। डेथ गेम के एपिसोड 4 की शुरुआत मिस्ट्री क्राइम सीन से होती है। उसके बाद ईजे को दिखाते हैं जो अपनी न्यू लाइफ में एक छोटा बच्चा होता है और रो रहा होता है। बच्चे की माँ बेबी को शांत कराती है और रेस्टोरेंट वालों से डिस्टर्बेंस के लिए माफ़ी मांगती है। वहाँ से निकलने के बाद बच्चे की माँ कार में उस पर ज़ोर से चिल्लाती है क्योंकि वो उससे परेशान हो गई है। चिल्लाने की वजह से ईजे सरप्राइज हो जाता है और जब वो दोनों घर आते हैं तो बच्चे की माँ उसको सोफे पर पटक देती है। यह सब देखकर ईजे को सिचुएशन समझ नहीं आ रही होती है। उसके बाद एक आदमी दिखता है जो कि शायद बच्चे का फादर होता है। पहले तो वो बहुत फ्रेंडली दिखता है, उसके बाद उसका भी असली नेचर सामने आ जाता है जब वो बच्चे को एक्सपायर फूड खिला रहा होता है। और जब वो बच्चा नहीं खाता है तो वो उस पर चिल्लाने लगता है। सिचुएशन और ख़राब तब हो जाती है जब बच्चे की माँ घर में ही स्मोकिंग करने लगती है, बट उसी समय पुलिस आ जाती है। पुलिस ऑफिसर और चाइल्ड प्रोटेक्टिव कस्टडी की एक मेम्बर को हॉस्पिटल से ये खबर मिलती है कि शायद बच्चा अब्यूसिव सिचुएशन में है और वो लोग यहाँ पर यह पता करने आए होते हैं। उन्हें देखकर ईजे खुश हो जाता है, लेकिन पुलिस ऑफिसर और लेडी को वहाँ से जाना पड़ता है क्योंकि बच्चे का फादर भी एक चाइल्ड प्रोटेक्टिव ऑफिसर था। पुलिस का अटेंशन लेने के लिए ईजे जोर जोर से रोने लगता है, लेकिन पुलिस जा चुकी होती है और उसके रोने की आवाज़ सुनकर मदर चिड़चिड़ा जाती है और वो बच्चे पर अपने सारे मिसफॉर्च्यून का ब्लेम डालती है कि जब से बच्चा पैदा हुआ है तब से उसकी ज़िंदगी ख़राब हो गई थी। ईजे की ये छोटी लाइफ भी खत्म हो जाती है जब मदर बेबी पर तकिए से दबाकर उसको मार देती है। डेथ ने ईजे को बच्चे की बॉडी में इसलिए डाला था क्योंकि उसने अपनी लाइफ को हल्के में लिया था और ज़िंदगी के बदले मौत को चुना था। बल्कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ज़िंदगी जीने की चॉइस भी नहीं होती। जब ईजे को अपने नेक्स्ट लाइफ जाने की जल्दी होती है और डेथ उसकी ये विश भी पूरी कर देती है, वह खुद को एक स्टेशन के बाहर पाता है जहाँ उसने लॉकर में मनी रखे थे और उसके पास मनी कलेक्ट करने के लिए सिर्फ 15 मिनट बाकी है क्योंकि 9 बजे के बाद वह सामान जब्त कर लिया जाता है। इसे बिना कुछ सोचे उस बिल्डिंग की तरफ दौड़ कर जाता है और सही टाइम पर लॉकर के पास पहुंच जाता है और अपना सामान ले लेता है। वहां वो फाइनली मिरर में अपनी नई बॉडी को देखता है और गुड लुक्स और अच्छी आवाज़ पाकर खुश हो जाता है। ईजे की न्यू बॉडी है जांग उन यू की, जो कि एक गुड लुकिंग और अट्रैक्टिव मैन है। वो अमीर है और एक मॉडल है। ईजे सोचने लगता है कि इस लाइफ में उसकी मौत कैसे होगी और उसकी लाइफ कब ख़त्म होगी। लेकिन उसी समय किसी का कॉल आता है और वो पार्टी में आने के लिए कहता है और वो सोचता है कि डेथ के बारे में ज़्यादा स्ट्रेस लेने से अच्छा है कि पार्टी की जाए। पार्टी का होस्ट ताईकेंग ग्रुप का CEO पार्क ताईयू होता है। ईजे वहाँ ड्रंक हो जाता है और उसे वो CEO को जाना पहचाना लगता है, लेकिन उसे याद नहीं आता और ज़्यादा नहीं सोचता और पार्टी इंजॉय करने का डिसाइड करता है। अगली सुबह जांग उन यू
उसका भाई उसे जगाता है और याद दिलाता है कि उसने उसके कैफे को देखने की जिम्मेदारी ली थी जब वह एक सप्ताह के लिए यूएस जाएगा। विजय सोचता है कि वो सिर्फ एक ही दिन काम करेगा और जब उसका भाई यूएस चला जाएगा तो वहाँ से चला जाएगा। लेकिन वो दिन ईजे के लिए सरप्राइज डे निकल जाता है क्योंकि जब वो वहाँ पर काम कर रहा होता है तो उसे जीसू कैफे में दिखाई देती है और जब वो उसे अंदर आते हुए देखता है तो ईजे अपनी और उसकी पुरानी लाइफ की मेमोरीज याद करने लगता है। जब वो उसका बॉयफ्रेंड था, उसकी पहली मुलाकात से लेकर आखिरी तक जब तक उसने उसका हाथ नहीं छोड़ा था। वो बड़े भाई से जीसू के बारे में पूछता है तो उसका बड़ा भाई बताता है कि जीसू अक्सर कैफे में आती है और रोज़ अपना काम करती है जब तक कि कैफ़े बंद नहीं हो जाता। वो उसे ये भी बताता है कि वो एक ऑथर है। ईजे जीसू का नाम इंटरनेट पर सर्च करता है जहाँ उसके नाम से एक आर्टिकल आता है जहाँ उसने एक कॉन्टेस्ट जीता था। कॉन्टेस्ट जीतने के बाद उसने अपनी स्पीच में बताया था कि वो इस जीत के बाद उसके मन में पहला इंसान जिसे वो थैंक्स करना चाहती है वो है उसका बॉयफ्रेंड, क्योंकि उसने हमेशा उस पर विश्वास किया है और उसके काम को एनकरेज किया है। वहीं पर ईजे को जीसू के इनकरेज करने वाली मेमोरी भी याद आती है और उसे ये भी पता चलता है कि जो एनवेलप जीसू उसे ब्रेकअप के पहले दे रही थी उसमें कॉन्टेस्ट जीतने के समय मिली प्राइज मनी थी। वो जल्दी से लाइब्रेरी जाता है जहां उसे जीसू की बुक मिलती है और उसे पढ़ते वक्त उसको पता चलता है कि उसमें लिखी गई कई सिचुएशन उनके साथ में रहने पर सिचुएशन से काफ़ी मिलती जुलती है। वहां उसे फाउंटेन पेन भी मिलता है जो उसने प्रॉमिस किया था कि अगर जीसू ऑथर बन जाएगी तो वो उसे खरीद के देगा। वहीं कैफे में एक छोटी लड़की जीसू के पास दौड़ कर जाती है और उसे आंटी बोलती है। उसके साथ एक औरत और एक आदमी होते हैं। ईजे उस आदमी को पहचान जाता है और उसे ये रियलाइज होता है कि जिस आदमी के लिए उसने जीसू से ब्रेकअप किया था वो जीसू का एक बड़ा भाई था। ईजे उसके बड़े भाई के जाने के बाद कैफे को जीसू के लिए ओपन रखता है। ईजे जीसू को उसकी पुनर्जन्म की स्टोरी को एक फिक्शनल कैरेक्टर के रूप में बताता है और उसे अपने नज़दीकी बढ़ाता है। स्टोरीज के बहाने ही सही वह उसके पास रहना चाहता है क्योंकि जीसू एक ऑथर होती है तो उसे उसकी स्टोरी भी इंटरेस्टिंग लगती है। अब वो दोनों रोज एक स्टोरी को लेकर डिस्कशन करने लगते हैं। एक रात ईजे के जीसू को कैफे से विदा करने के बाद उसे वहाँ के कुछ कस्टमर से एक एक्सीडेंट की खबर मिलती है जिसमें पता चलता है कि एक्सीडेंट की विक्टिम उसके कैफे की एक रेगुलर कस्टमर हुआ करती थी। यह सुनकर वह तुरंत एक्सीडेंट वाली जगह जाता है जहाँ उसे वही रेड अम्ब्रेला मिलता है जो कि उसने जीसू को दिया था, लेकिन जीसू उसे सेफ मिलती है। उसके बाद जीसू उस दिन की बात शेयर करती जब ईजे ने सुसाइड कमिट किया था। अगले दिन जीसू मेमोरियल हॉल जाती है जहाँ वो ईजे की फ़ोटो को देख रही होती है और पहली बार ईजे भी अपनी न्यू बॉडी में वहाँ पहुँचता है जहाँ उसे उसकी माँ भी दिखती है। उसकी माँ वहाँ पर अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती और रेस्टरूम में जाकर रोने लगती है। ये रोने की आवाज़ ईजे को भी सुनाई देती है जिसे सुनकर वो टूट जाता है। बाद में वह अपनी माँ को ईजे के फ्रेंड के नाम से कुछ पैसे भेजता है। उसके बाद जब वो रोड पर चल रहा होता है तो उसके ऊपर एक साइन बोर्ड गिर जाता है जिससे वो मर जाता है, लेकिन ये उसका एक ड्रीम होता है। अगली इवनिंग जब वो जीसू के साथ होता है तो उस घर तक छोड़ने का ऑफर करता है जहाँ उसे उसके और जीसू के पुराने टाइम्स याद आते हैं। उसे रियलाइज होता है कि लोग डेथ से इसलिए डरते हैं क्योंकि अगला दिन किसी ने नहीं देखा होता। ये सोचकर वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताता है जिसे उसने 7 साल डेट किया था। ईजे उसे कन्फेस करता है कि जिस आदमी की वो स्टोरी बता रहा था वो खुद ही है और उसकी पहली लाइफ ईजे की थी। जब जीसू ये सिचुएशन और उसकी बातों को समझने का ट्राई कर रही थी जो कि उसे एक इम्पॉसिबल सिचुएशन लग रही थी, तभी एक लाल गाड़ी तेजी से जानबूझकर उनकी डायरेक्शन में आती है और उन दोनों को भेड़ देती है जहाँ जीसू तुरंत मर जाती है। लेकिन ईजे को मरने में समय लगता है और उसे ये रियलाइज़ होता है कि अभी तक की सारी प्रीवियस लाइफ में एक इंसान कांस्टेंट था जो कि होता है ताइकेंग ग्रुप का सीईओ पार्क ताई यू। पार्क ताई यू ही वो गाड़ी चला रहा होता है। जब वो देखता है कि ईजे अभी नहीं मरा है तो वो उसका गला दबा के उसको मार देता है और ईजे फिर से अपनी पुरानी जगह पर जागता है जिसके अंदर गुस्सा और बेचैनी भरी होती है और वो पार्क ताई को मारने की कसम खाता है। लेकिन उसके पहले वो डेथ को ख़त्म करने का सोचता है। वो टेबल की तरफ दौड़ कर जाता है और उसकी गन लेकर उस पर ही एम कर देता है और बैकग्राउंड में शूटिंग की आवाज़ आती है और यहाँ पर एपिसोड 4 ट्विस्ट के साथ ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पर ताई कौन है और उसका ईजे और उसकी सारी प्रीवियस लाइफ में क्या कनेक्शन है ये आगे आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। तो आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।